जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में ये है कि जब फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिस्पायरेशन कहलाता है, लेकिन जब हम अपनी मसल्स का उपयोग करते हैं, बॉडी के पार्ट्स का उपयोग करते हैं और वायु को अंदर शरीर के या जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसमें ले जाते हैं तो वो कहलाती है ब्रीथिंग क्रिया। ब्रीथिंग क्रिया में दो तरीके की होती है, एक होती है इंस्पायरेशन और एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में अपन वायु को शरीर से बाहर अंदर प्रवेश करते लेते हैं और एक्सपायरेशन में हम वायु को यानी CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं। किस तरीके से वो देख लीजिए, जैसे ये ईयर है, ये ट्रेकिया है, ये रिब्स केज हैं, यानी जो पसलियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं छाती में थोरेसिक कैविटी में, वो एक जाल केज बना लेती हैं, एक जाल सा बना लेती हैं, पिंजड़ा बना लेती हैं, है ना, रिब्स केज। इस रिब्स केज में एक मसल्स होती हैं दो, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसके बाद डायफ्राम होता है, ये पता है। जैसे ही हम एयर को अंदर प्रवेश करते हैं उससे पहले दो घटनाएं होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलीज होती है जिसके कारण जो आयतन है हमारी छाती का, हमारे सीने का, है ना, या फेफड़ों का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी समय डायफ्राम नीचे जाता है तो और एरिया बढ़ गया। जब ये एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वायु का वो क्या हो जाएगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा, और चूंकि वायुमंडल की वायु का दबाव हमसे ज़्यादा है तो एयर क्या हो जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाती है लंग्स में, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्रिया होती है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स खींचती हैं जिस कारण फेफड़ों का जो आयतन है वो कम हो जाएगा, डायफ्राम वापस अपनी जगह पे जाता है तो आयतन और कम हो जाता है। यहाँ पे आयतन कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बाहर के वायु के प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण जो CO2 लंग्स में आ गई थी वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये दो क्रियाएँ होती हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की।